नमस्कार दोस्तों, रेसिपी प्लानर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में झटपट सूजी उत्तपम बनाएंगे। बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है, और अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, बारीक कटी 2-3 हरी मिर्च और बारीक कटा करी पत्ता, स्वादानुसार नमक, बारीक कटा हरा धनिया और 1/2 कप पानी। और अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ज़रूरत के हिसाब से, फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अभी हम सूजी को फूलने के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। ये देखिए, अभी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब ये गाढ़ा है, इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरीके का होना चाहिए। अभी हमारे उत्तपम का बैटर तैयार है। अभी हम उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने गैस पर तवा रखा है और तवा अभी थोड़ा गर्म हो गया है, और अभी हम ये बैटर इसके ऊपर डालेंगे। हल्का सा फैला देंगे, ज़्यादा नहीं फैलाना है। और मैंने यहाँ पे प्याज लिया है बारीक काट के, ये थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। और यहाँ पे टमाटर लिया है बारीक काट के, ये भी थोड़ा सा डालेंगे। और यहाँ पे धनिया लिया है बारीक काट के, अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहे तो इस समय इसके ऊपर शिमला मिर्च बारीक काट के, या फिर आप इसके ऊपर गाजर कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे, और अब इसके ऊपर थोड़ा तेल डालेंगे, और अभी हम इसको पलट देंगे। और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। ये अभी अच्छे से सीख चुका है, अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, और इस तरीके से सारे उत्तपम तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे उत्तपम अभी तैयार है। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी, मूंगफली की चटनी या फिर कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।